hello everyone so in the previous lecture we have studied about the basics of capital budgeting so we have studied what do you mean by the concept of capital budgeting why it is so important and in capital budgeting we are using the different different methods for evaluating the projects for selecting the best option for the company so if you have n number of options which will be the best option the company can select for that purpose वी आर यूजिंग द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स तो हमने डिस्कस कर लिया था कि दो टाइप के मेथड्स हैं आपके एक आपका होता है ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हमने दो चीज़ें सीखी थी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते ताकि आपको पता चले कि हमने जो मेथड्स सीखे थे मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग उसमें हमने कौन से कौन से पॉइंट सीखे थे उसमें हमने दो पॉइंट सीखे थे एक तो आपका है ट्रेडिशनल और दूसरा है आपका मॉडर्न ठीक है एक है आपका ट्रेडिशनल एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एज मॉडर्न मेथड अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें तो वी हैव द कंसेप्ट ऑफ पे बैक पीरियड तो इसमें हमने कौन सा सीखा था दैट इज द पे बैक पीरियड मेथड और इसमें हमारा सेकेंड मेथड था ए आर आर दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न सो मैंने आपको बेसिक चीज बताई थी कि जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता तो वो किसे कंसिडर नहीं करता दिस मेथड इज नॉट कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसीलिए वो ट्रेडिशनल मेथड्स है पर जो मॉडर्न मेथड्स है वो मॉडर्न मेथड जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर की करता है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने वाला मेथड मतलब मॉडर्न मेथड्स और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ना कंसिडर करने वाला मेथड मतलब कौन सा दैट इज ट्रेडिशनल मेथड अगर हम मॉडर्न मेथड्स की बात करें तो मॉडर्न मेथड्स में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं मॉडर्न मेथड्स में सबसे पहला मेथड जो था दैट इज कॉल्ड एज एन पी वी मेथड एनपीवी वी का मतलब क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इसमें हम डिस्काउंटिंग फैक्टर के बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं फिर हमारा सेकेंड मेथड जो एनपी वी के साथ ही रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड कौन सा मेथड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड फिर हमारा तीसरा जो पे बैक पीरियड का भी एक एक्सटेंशन माना जाता है यहाँ पे हम डिस्काउंटेड कैलकुलेट करते हैं तो डिस्काउंटेड पे पीरियड। तो यहाँ पे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी कैलकुलेट होता है तो ये भी एक मेथड है और हमारा फोर्थ मेथड है यहाँ पे दैट इज आई आर आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो दिज आर द ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर तो आज हम क्या करेंगे आज हम इसकी कुछ बेसिक फार्मूलाज सीखेंगे ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली exactly ये मेथड्स में क्या क्या फार्मूलाज यूज होते हैं तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम फार्मूलाज देखेंगे अभी कि किस तरीके से आपको ये फार्मूलाज को याद रखना है तो ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लेट अस स्टार्ट विद द फार्मूलाज फर्स्ट सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा मेथड है दैट इज पे बैक पीरियड तो कितने साल में आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किया है उसका रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाएगा मतलब कि अगर आपने फाइव लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आपको पाँच साल लग रहे हैं रिकवरी के लिए एक एक लाख रुपया हर साल रिकवर हो रहा है तो योर पे बैक पीरियड विल बी फाइव ईयर्स तो पे बैक पीरियड हमेशा ईयर्स में आता है तो पे बैक पीरियड की अगर बात करें तो इसमें दो फार्मूलाज है पहले आप सिर्फ फार्मूला समझ लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट या जो वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन के साथ तो इफ यू डिवाइड दिस बाय दिस यू विल गेट द आंसर लेकिन कभी कभी क्या होता है ये सिंगल ईयर रहा तो इस तरीके से होता है अगर कंप्लीटेड ईयर्स रहा तो इस तरीके से होता है अगर कभी कम्पलीटेड uh, ईयर्स नहीं है तो उसके बेसिस पे और एक फॉर्मूला भी यूज होता है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ दैट इज कंप्लीटेड ईयर्स यान से प्लस ट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला आप अपने पास लिख के रखें इसको सॉल्व में प्रॉपरली करवाऊंगा आपको ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लो ऑफ कंप्लीटेड इयर ठीक है व्हाट इज दिस वी विल सी ऑल द पॉइंट्स इन मच डिटेल इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन एनुअल इनफ्लो ऑफ कंप्लीटेड इयर्स तो दिस इज द सेकेंड फार्मूला एंड दैट इज फॉर यूर पे बैक पीरियड आगे बढ़ते हैं अभी हम हमारे सेकेंड फार्मूला में जाते हैं तो हमारा सेकेंड फार्मूला है दैट इज ऑफ ए आर आर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न काफी सिंपल फॉर्मूला है ए आर आर का फॉर्मूला है एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक है एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जितने भी आपका टोटल प्रॉफिट आएगा उसको आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इयर्स के साथ तो हमें क्या मिलेगा एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरेज इन्वेस्टमेंट्स आल्सो वी विल बी कैलकुलेटिंग इसमें कैसे होगा कैलकुलेशन ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टू तो इसका एवरेज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज रिलेटेड विड योर कैलकुलेशन फिर हमारा जो तीसरा कंसेप्ट है दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू ठीक है तो फिलहाल सिर्फ इस वीडियो में हम फॉर्मूला सीख लेते हैं फिर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इन सभी का एप्लीकेशंस भी समझ में आ जाएगा एनपीवी एनपीवी इज व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू तो एनपीवी का फॉर्मूला काफी सिंपल है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इट इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो प्रेजेंट तो वैल्यू को हम शॉर्टकट अगर याद रखना चाहते हैं तो वी ऑल्सो कॉल्ड एज पी वी पी वी इज वॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो दैट इज दी फॉर्मूला फिर नंबर फोर्थ हमारा जो है दैट इज सेम फॉर्मूला सिर्फ आपको इसमें डिवाइड करना है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ठीक है कौन सा फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला आपका बनेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट आप बोलेंगे तो ये इनिशियल कॉस्ट मतलब आपके जो प्रोजेक्ट है या आपका जो मशीन है उसकी कॉस्ट दैट विल बी योर इनिशियल कॉस्ट तो दिस विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विच विल बी कैलकुलेटिंग तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एक इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है उसका फार्मूला जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया है कंप्लीटेड ईयर्स वाला वही हमें यूज करना है और आईआरआर का भी फॉर्मूला उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे अगर हम आईआरआर आर आर देखें दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा वो ट्रिकी और कैलकुलेटिव फॉर्मूला है आई का आई इज वॉट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ठीक है आई का फॉर्मूला है डिस्काउंटिंग फैक्टर प्लस एनपीवी ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर ये सब हम कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन डिस्काउंटिंग फैक्टर तो क्वाइट बिग फॉर्मूला बट इसको कैसे अप्लाई करना है एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला में आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूं तब उसमें मैं आपको समझाऊंगा तो दीज आर द मेजर फार्मूलाज विच यू हैव टू रिमेंबर वाइल अटेम्प्टिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजटिंग तो ये फार्मूलाज आप अपने बुक्स में लिख के रखें ताकि ये फार्मूलाज जब हम अप्लाई करेंगे जब हमारे अगले लेक्चर्स में ये जब फार्मूला के बेसिस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तब आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तो दैट विल बी द मेजर पॉइंट्स विच वी हैव लर्नड नाउ तो वी हैव लर्नड अबाउट वॉट इज कैपिटल बजटिंग हाउ इट इज इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसके लिए डिसीशन मेकिंग के लिए कैपिटल बजटिंग यूज किया जाता है और ये उसके दो टाइप के डिफरेंट मेथड्स होते हैं एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है हमारा मॉडर्न मेथड ट्रेडिशनल मेथड टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी को कंसिडर नहीं करता और मॉडर्न मेथड टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी को कंसिडर करता है ट्रडिशनल मैथड में हमने दो मैथड सीखे नंबर वन पे बैक पीरियड मैथड एंड नंबर सेकेंड इज मॉडर्न मेथड्स में हमारे पास तीन चार मेथड्स है उसमें से एन ज्यादा यूज करने वाला मेथड है बहुत बार यूज होता है एन पी भी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकॉज वो सारे मेथड्स जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है चलो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ आई होप दिस फॉर्मूलाज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये सारे फॉर्मूलाज एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर